अब अचानक बगीरा मोगली को छुपने के लिए कहता है, पर मोगली उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन तभी शेर खान मोगली के ऊपर हमला कर देता है, पर बगीरा शेर खान से लड़ने लगता है और मोगली को यहाँ से दूर भागने के लिए कहता है। लेकिन बगीरा शेर खान का सामना नहीं कर सकता था। शेर खान उसे अपने पंजों से पछाड़ देता है और फिर मोगली के पीछे चला जाता है। वो अब मोगली के काफी ज्यादा नजदीक आ चुका था, पर तभी वहाँ पर भैंसों का एक झुंड आ जाता है और शेर खान उसमें फंस जाता है। इधर मोगली एक खाई में कूद जाता है, पर अब वहाँ पर भी भैंसे आ चुकी थी। मोगली उनसे बचता हुआ एक तरफ आ जाता है, पर तभी शेर खान की नजर मोगली के ऊपर पड़ती है और मोगली ने भी शेर खान को देख लिया था। लेकिन फिर मोगली एक भैंस के ऊपर चढ़कर वहाँ से भाग जाता है। शेर खान अब बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसका शिकार हाथों में आते आते रह गया था। फिर वो वहाँ से सीधा भेड़ियों के सरदार के पास चला जाता है और वहाँ पर आराम से जाकर बैठ जाता है। वो सरदार को कहता है कि मैंने तुम्हें उस दिन कहा था कि अगर तुम लोगों ने मुझे मोगली को नहीं दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन वो सरदार उसे कहता है कि अब मोगली यहाँ से जा चुका है और हमारा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, जिसके बाद शेर खान खड़ा हो जाता है। पार्ट 4 के लिए लाइक और कॉमेंट करें।